तभी यहाँ से एक साथ हम दो शुगर केन ले लेंगे, दो गन्ने ले लेंगे जी। ये देखिए, मैंने धक्का नहीं लगाया, कोई भी चीज नहीं किया है, ये मशीन खींच रही है और इसका क्रशिंग देखिए आप। पूरी तरह से पावरफुल इसमें मोटर दिया हुआ है। तो बचा इसमें कुछ देखिए आप? कुछ भी नहीं बचा है, इसमें आ रहा है जूस, आ रहा है हाथ में। जी जी, आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये सूखा है पूरा हाथ मेरा। ये 35 एम्पीयर का दो बैटरी है, इसको आप एक बार चार्ज करते हो जी। एक बार चार्ज करने के बाद ये मशीन आपको 8 से 10 घंटे का आराम से बैकअप देती है। तो यहाँ पे हमने एक ऑरेंज जूसर भी लगा दिया है, ये भी मैन्युअली बिना बिजली वाला। इसमें आप ऑरेंज, मौसम्बी, अनार, पाइनएप्पल का जूस निकाल सकते हो, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और पूरा जो ट्रॉली रहेगा, पूरा ट्रॉली स्टेनलेस स्टील का पूरा ट्रॉली बनाया हुआ है। इसमें लोहे का एक स्क्रू भी हमने यूज नहीं किया हुआ है। और इसको कहीं पर भी आपको ले जाना है तो इजी टू मूव है। ये देखिए जी, कहीं पर भी इसको ले जाओ, आसानी से आपका बिजनेस स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो हमारे उन बेरोजगार भाइयों के लिए है जो बिजनेस की तलाश में है। दोस्तों 2-3 महीने में आप पूरे साल की कमाई कर सकते हैं। आज तक जितने भी मशीन हमने शुगर केन के दिखाया है उसमें से सबसे खास मशीन यह है जो कि बैटरी से चलता है, कूलिंग सिस्टम है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, ये आपके बजट में भी आ जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शुगर केन मशीन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा, इस बिजनेस की प्रॉफिट, लागत, मार्केटिंग के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। इसकी अधिक जानकारी के लिए इस मशीन के विक्रेता मोहसिन भाई को मैं बुलाना चाहूँगा जो इसकी पूरी जानकारी देंगे। मोहसिन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, इस मशीन के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। अभी ये जो मशीन है, ये मशीन को आप कहीं पर भी लगा के, ट्रॉली के साथ में ये मशीन हमने बनाया हुआ है। ये मशीन को आप कहीं पर भी ले जाके, मार्केट एरिया है या फिर कोई हाईवे है वहां पे इसको लगाना है, कहीं पर भी स्ट्रीट है वहां पे ये मशीन को लगाना है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली का जरूरत नहीं है। इसमें हमने बैटरी लगा दिया है तो बैटरी से ये मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हो और आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये मशीन जो रहता है इसमें एक न्यू जनरेशन सिस्टम हमने ऐसा दे दिया है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी से इसमें ठंडा जूस निकलेगा, कंप्लीट ठंडा होके जूस निकलेगा। इसमें कूलिंग सिस्टम, कंप्रेसर वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम दे दिया कि बिना बिजली के ही इसमें ठंडा कंप्लीट होके जूस निकलेगा। प्लस ये जो मशीन है हमारी, बैटरी से चलने वाली 2023 की लेटेस्ट मॉडल मशीन लगाई हुई हमने। इसमें एक बार गन्ना डालोगे, एक ही बार में पूरे पूरा क्रशिंग हो जाएगा। इसमें आपको बार बार गन्ना डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन में हमने स्टेनलेस स्टील के 3 रोलर लगाए हुए और इसमें जो मोटर लगा हुआ है 350 वोट का DC मोटर लगा हुआ है, गेयर मोटर, जिसकी वजह से ये पावरफुल मशीन हमने ये बनाई हुई है। और जो जूस भी इसमें निकलेगा वो आपको फिल्टर नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हमने यहाँ पे कंप्लीट माइक्रो फिल्टर दे दिया है। ये जो फिल्टर है इसमें से कंप्लीट फिल्टर होके यहाँ से नल में से जूस निकलेगा। ये जो नल है इसमें नॉर्मल टेम्परेचर जूस निकलता है, जो कस्टमर को नॉर्मल टेम्परेचर जूस पीना है वो इसमें से निकलेगा। ये जो यहाँ पे नल दिया हुआ है हमने, इसमें कंप्लीट ठंडा होके जूस निकलेगा। प्लस अगर कोई कस्टमर है उनको गन्ने का जूस नहीं पीना है तो यहाँ पे हमने एक ऑरेंज जूसर भी लगा दिया है, ये भी मैन्युअली बिना बिजली वाला। इसमें आप ऑरेंज, मौसम्बी, अनार, पाइनएप्पल का जूस निकाल सकते हो, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। सर इस मशीन का कार्य कैसे होता है, कैसे इसमें प्रोसेस होता है उसे बताइए। पूरी मशीन है ये, बैटरी से पूरी मशीन चलती है। बैटरी को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे इसका स्टोरेज बॉक्स दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी का स्टोरेज बॉक्स है, उसको भी आपको दिखाएंगे खोल के। आप यहाँ पे देख सकते हो 35-35 एम्पीयर का यहाँ पे हमने दो बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। और बाजू में दूसरा स्टोरेज बॉक्स भी है, वहां पे आप मौसम्बी, पाइनएप्पल वगैरह भी वहां पे रख सकते हो। जी जी, ठीक है। ये 35 एम्पीयर का दो बैटरी है, इसको आप एक बार चार्ज करते हो। जी, एक बार चार्ज करने के बाद ये मशीन आपको 8 से 10 घंटे का आराम से बैकअप देती है। जी जी जी। और इसको कहीं पर भी आपको ले जाना है तो इजी टू मूव है। ये देखिए जी जी, कहीं पर भी इसको ले जाओ, आसानी से आपका बिजनेस स्टार्ट करो। प्लस ये जो आप मौसम्बी वगैरह का जो जूस निकालते हो
उसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे एक आइस बॉक्स भी दे दिया है। जी, ये आइस बॉक्स में आप इजीली बर्फ वगैरह स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप बर्फ स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ पे हमने गन्ने के जूस के लिए यहाँ पे अंदर पाइपलाइन लगाया है, तो इसमें बर्फ रहेगा, उसकी वजह से ये पाइपलाइन में घूम के ये नल में से कंप्लीट ठंडा होकर जूस निकलेगा। अच्छा, तो सर इस मशीन का हमें लाइव डेमो करके दिखाएंगे। जी, अभी ये मशीन को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे और यहाँ से हम मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। जी, ये आप देख सकते हो नीचे जो बैटरी लगा हुआ है उससे मशीन ऑपरेट होती है। प्लस यहाँ पे हमने डिजिटल डिस्प्ले दे दिया है। जी जी, लेटेस्ट मॉडल बनाई हुई है 2023 की। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ पे अपने फोन में जैसे चार्ज दिखता है वैसे चार्जिंग दिख रहा है। यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। ये पावर सॉकेट किसका है सर? ये पावर सॉकेट है ये चार्जिंग करने के लिए, जो अपना बैटरी जो रहेगा उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हमने सॉकेट दिया हुआ है। जी, तो आइए दोस्तों हम इसका लाइव डेमो देखते हैं, मशीन कैसे काम करता है। अभी हमने यहाँ पे शुगर केन ले लिया है। जी, अभी ये मशीन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम दोनों दिया है। जी, अगर इसको आपको रिवर्स में चलाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी आपको दोनों फीचर्स दिखाता हूँ मैं। ये सबसे पहले हम फॉरवर्ड में चलाएंगे। जी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहा है। जी, ठीक है। अभी इसको रिवर्स में ऑपरेट करेंगे हम, ये रिवर्स चलने लगा। जी, तो फ्यूचर में कभी भी गन्ना वगैरह फंस जाता है तो रिवर्स करके आप निकाल सकते हो। प्लस एक्सीडेंट फ्री मशीन है, इसमें हाथ जाने का डर नहीं। आप देख सकते हो जो लोकली मशीन रहती है उसमें हाथ जाने का डर रहता है, इसमें हाथ जाने का डर नहीं है। सर ये किस लिए दिया गया है? वो सेटिंग का बोल्ट है, वो आप गन्ने की साइज के हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हो। जी, और ये सर ये छतरी जो है इसकी ऊंचाई हम कम ज्यादा कर सकते हैं? जी, इसमें यहाँ पे हमने ऊंचाई ज्यादा कम करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है, इससे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट ज्यादा कम कर सकते हो आप। अच्छा, अभी इसमें से हम जूस निकालेंगे। जी, ये सीधा रख के आपको छोड़ देना है, ये मशीन अपने आप खींच लेगा। ये आप देख सकते हो और पावरफुल मशीन ये रहती है, इसमें आप एक साथ दो गन्ना भी डालोगे दो गन्ना भी मशीन खींच लेगी। जी जी, ये भी यहाँ से मशीन को हम बंद कर देंगे। जी, इसका क्रश भाग दिखाइए सर। अभी इसका क्रशिंग हम आपको दिखाते हैं। जी जी, और इसका जो वेस्टेज रहेगा ये भी पूरी हाइजेनिक मशीन है, बाहर की साइड नहीं गिरेगा। जी जी, अपने जो कस्टमर रहेंगे उनको बाहर की साइड वेस्टेज नहीं दिखेगा। पूरा यहाँ पे हमने डस्टबिन दे दिया है, पूरा वेस्टेज इसमें स्टोर हो जाएगा। ये आप देखिए, जी ये पूरा वेस्टेज यहाँ पे स्टोर आ चुका है। ये देखिए, ये पूरी तरह से क्रश हुआ है सर। जी, पूरा क्रशिंग हो गया। आप देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों एक ही बार में पूरी तरह से इसका रस निकल चुका है सर। गन्ने को और भी ज्यादा, ये ऊपर के जो बोल्ट है जी, इसमें जी जो क्रशिंग हुआ है वो थोड़ा कम क्रशिंग हुआ है। जी, क्योंकि यहाँ पे जो बोल्ट है हमने लूज रखे हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इसको आप थोड़ा टाइट करोगे 100% क्रशिंग हो जाएगा, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखा दे कि 100% क्रशिंग किसको बोलते है। अच्छा सर, गन्ना जैसे कई बार पतला होता है कई बार मोटा हो जाता है तो उसी के लिए दिया गया, उसी के लिए वो दिया हुआ है। अच्छा। अभी यहाँ से हम आपको जूस निकाल के दिखाएंगे। जी, ये आप देख सकते हो ये कंप्लीट फिल्टर होके इसमें से जूस निकलता है। जी, और अभी किसी कस्टमर को ठंडा जूस पीना है। हाँ। तो ये वाल दिया हुआ है और इसका यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। जी, ये स्विच है, इसको ऑन करेंगे इसलिए इसमें से जूस निकलेगा। ये देखिए, इसमें से कंप्लीट ठंडा होके जूस निकलता है। अभी यहाँ पे हमने बर्फ नहीं डाला है। जी जी, इसलिए चिल्ड नहीं आएगा इसमें। जब आप बर्फ डालोगे इसलिए एकदम चिल्ड ठंडा होके जूस निकलेगा इसमें। जी से जी, यहाँ से ठंडा निकलेगा, यहाँ से नॉर्मल टेम्परेचर निकलेगा। और इसमें जो गन्ना वगैरह जो रहते हैं आपका स्टोर करने का गन्ना, वो भी इसका भी बॉक्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर केन स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। हाँ हाँ। इसमें आप इजीली गन्ना वगैरह स्टोर कर सकते हो। जी, और पूरा जो ट्रॉली रहेगा, पूरा ट्रॉली स्टेनलेस स्टील का पूरा ट्रॉली बनाया हुआ है। इसमें लोहे का एक स्क्रू भी हमने यूज नहीं किया हुआ है। इसका क्या बेनिफिट होता है सर?
ये मशीन का लाइफ बढ़ जाता है, चलता नहीं। अगर लोहे का रहेगा तो एक डेढ़ साल के अंदर पूरा गल जाएगा मशीन। ये 5-6 साल तक इसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि जहाँ पे अल्फा ब्रांड का लोगो लगता है वहां पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। क्वालिटी आपको 100% मिलती है हमारे जो व्यूवर्स रहते हैं उनको। अच्छा सर, इसका प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कैसे होता है? इस तरह का एक 200 ml का एक ग्लास अगर व्यूवर्स बनाते ठीक है तो इसका लागत आता है 3 से 3.5 रुपए ठीक है। और इजीली ये मार्केट में सेलिंग के लिए जाता है 10 से 15 रुपए में, जैसा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पर 10 रुपए में सेलिंग होता है, कहीं पर 15 रुपए में सेलिंग होता है। तो बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट रेशियो भी है। सर, इस मशीन को कहाँ पर लगा सकते हैं? ये मशीन को कहीं पर भी, जैसे कि मार्केट एरिया है, कहीं पर स्ट्रीट वगैरह में, गली नुक्कड़ में खड़ा रह के कहीं पर भी चलती फिरती दुकान आपको बनानी है तो इसको ले जाके अभी के टाइम में पॉसिबल है। पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले बहुत बड़े डीजल इंजन आते थे जिसको आपको एक ही जगह पे रखने का था, और आवाज भी बहुत करते थे और डीजल भी बहुत खाते थे। वो मशीन रहता है वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर डीजल पी जाती है वो मशीन। और ये मशीन है ये आपको 20 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 8 से 10 घंटे का बैकअप देती है। जी सर। और अगर किसी कस्टमर को ये पूरा सेटअप नहीं चाहिए, खाली मशीन ही चाहिए, कि जैसे उनको बाइक के पीछे वगैरह फिटिंग करना है, तो यहाँ पे हमारे पास खाली मशीन भी अवेलेबल है। ये मशीन जो रहता है वो कहीं पर भी छोटी सी जगह में, छोटी सी स्पेस में रख सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर फिटिंग कर सकते हैं, या बाइक के ऊपर फिटिंग करना है तो ये खाली मशीन भी हमारे व्यूअर्स खरीद सकते हैं। सर, इस मशीन के बारे में बताइए डिटेल में। ये जो मशीन रहता है इसमें जो मशीन लगाए सेम टू सेम ही मशीन लगाए स्टील, ये पूरा मशीन हमने व्यूअर्स को खोल के दिखाया है, जिसकी वजह से इसका मैकेनिज्म मालूम चले उनको, वास्तविकता पता चले। जी जी। तो यहाँ पे पूरा इसका गियर बॉक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो, बेहतरीन क्वालिटी का एमएस का इसमें रोलर जो गियर बॉक्स है एमएस का लगा हुआ है, जो हार्ड मटेरियल रहता है उसका ये गियर बॉक्स। यहाँ पे भी गियर बॉक्स अच्छी क्वालिटी के बेहतरीन दिए हुए है, यहाँ पे भी गियर बॉक्स लगा हुआ है, आप देख सकते हो ठीक है। और स्टेनलेस स्टील के बेहतरीन क्वालिटी के 3 रोलर इसमें लगे हुए जो आपको 1 टाइम में 100% क्रशिंग करके देंगे। इसमें यहाँ पे पूरे बोल्ट टाइट करके हमने रखे हुए और इसमें आपको क्रशिंग करके भी हम दिखाएंगे। प्लस जो लोकली मशीन रहती है उसमें यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ रहता है, हमारी मशीन में हमने चेन लगाया है जिसकी वजह से 5-6 महीने के अंदर आपको वो बेल्ट वगैरह बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने चेन लगा दिया है इसमें। और कई कस्टमर कई व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई ये बैटरी वाली मशीन है तो लोड खींच पाएगी ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन बहुत कस्टमर का रहता है, तो वो भी हम दिखाएंगे कि लोड में मशीन चला के दिखाएंगे, एक साथ 2 गन्ना ऐड करेंगे हम इसमें, और कस्टमर को दिखाएंगे कि इसका पावर क्या है, मशीन का पावरफुल 2023 की ये पावरफुल मशीन है। वैसे तो दोस्तों बाकी सेलर का देखते हैं तो मशीन को इस तरह से खोल के ओपन कोई नहीं दिखाता है, आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा मशीन साफ साफ दिख रहा है कि किस क्वालिटी में ये बना हुआ है। अभी हम इसका टेस्टिंग भी करते हैं, आइए देखते हैं। जी, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मशीन को। जी जी, ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है जी। इसमें भी यहाँ पे डिस्प्ले में कितना चार्जिंग वगैरह है वो यहाँ पे दिखाई देता है, ये आप देख सकते हो। एक बार चार्जिंग होने के बाद कितना देर चलता है? ये जो मशीन रहता है इसमें छोटा बैटरी लगा हुआ है, इसमें 35 एम्पियर का बैटरी लगता है, इसमें 12 एम्पियर का 2 बैटरी लगता है। ये एक बार चार्ज करने के बाद 4 से 4.5 घंटे का आराम से बैकअप देती है, और फ्यूचर में बड़ा बैटरी लगाना है तो कस्टमर बड़ा बैटरी भी इसमें लगा सकते है। अभी यहाँ से एक साथ हम 2 शुगर केन ले लेंगे, 2 गन्ने ले लेंगे। ये देखिए, मैंने धक्का नहीं लगाया है, कोई भी चीज नहीं किया है, ये मशीन खींच रही है, और इसका क्रशिंग देखिए आप। पूरी तरह से पावरफुल इसमें मोटर दिया हुआ है। ये आप देखिए, ये क्रशिंग हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं दोस्तों। बचा इसमें कुछ? देखिए आप, कुछ भी नहीं बचा है, इसमें आ रहा है जूस, आ रहा है हाथ में। जी जी, आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये सूखा है पूरा हाथ मेरा, ये पूरा जूस जो है इसमें से एक ही बार में निकल गया। और अभी इसमें से आपको जूस निकाल के दिखाएंगे। जी, पूरा ग्लास भर गया है 200 ml का। ये 2 पीस हमने गन्ना डाला था इसमें जी, और इसमें जूस पड़ा हुआ है जी, और भी इसमें जूस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रे निकाल के दिखाता हूँ।
और इसमें जो यहाँ पे पूरा फिल्टर हो जाता है, आपको अलग से फिल्टर नहीं करना है। ये जाली दिया हुआ, ये देखिए कितना सारा अभी जूस पड़ा हुआ है इसमें। इसमें पहले से नींबू रस भी रख सकते हैं। हाँ, इसमें आपको नींबू वगैरह ऐड करना है, नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और कोई कस्टमर रहते हैं उनको झाग वाला जूस अगर पीना है जी, कि भाई उसमें झाग आना चाहिए, ठीक है, तो ये बोल्ट है, इसको लूज करके आप दो बार डाल के, दो बार इसको गन्ने को डालोगे तो झाग वाला जूस निकलेगा। तो वैसा बनाना है तो वैसा भी बना सकते हो, एकदम क्लीन जूस बनाना है कि भाई किसी को क्लीन एकदम पीना है तो क्लीन जूस भी इसमें से निकलेगा। सारी फैसिलिटीज ये मशीन के अंदर दी गई है। जी जी जी। और सर आपके पास और कौन कौन से मॉडल है इसमें गन्ना जूस में? अभी के सबसे ज्यादा 2023 की कम खर्चे में चलने वाली जो मशीन है ये हमारी, ये दो मशीन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बिक रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मशीन हमारी पैकिंग की हुई भी पी है, पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये मशीन है महाराष्ट्र के लिए मशीन जा रही है, ये इस तरह से अच्छे से वुडन बॉक्स में पैकिंग होकर ऑल इंडिया में जाती है मशीन। फिर दूसरी मशीन है यहाँ पे भी पैकिंग की हुई पड़ी हुई, आप देख सकते हो ये सब पैकिंग की हुई यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, सारी कस्टमर की ऑर्डर की मशीन है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए जा रही है। जी, जी। तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी कस्टमर को मशीन चाहिए तो ऑल इंडिया हमारा ट्रांसपोर्टिंग अवेलेबल है। और बाकी दूसरी मशीन चाहिए तो यहाँ पे इंजन वाली मशीन पड़ी है हमारे पास, इंजन से आपको चाहिए जी। ये इंडियन इंजन वाली मशीन है, शक्ति कंपनी का इसमें इंजन लगा हुआ है। फिर एक मशीन यहाँ पे पड़ी है जो होंडा इंजन वाली मशीन है, ठीक है, इसमें होंडा इंजन लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये किससे, पेट्रोल से चलेगा जी? ये दोनों मशीन पेट्रोल से चलेगा, होंडा इंजन वाला रहेगा वो थोड़ा महंगा रहेगा, ये थोड़ा सस्ता रहेगा शक्ति इंजन वाला। तो कितना कैसे चलता है सर पेट्रोल जैसे डाल रहे हैं तो? पेट्रोल यहाँ से आप डालोगे और यहाँ पे इसका ये लीवर दिया हुआ है, इसको आप डोरी को खींचोगे इसलिए ये चालू हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी तीन रोलर दिया हुआ है बट ये वन टाइम में आपको 90% क्रशिंग करके देती है। बैटरी वाला जो मशीन रहेगा वो वन टाइम में 100% क्रशिंग करेगा। वैसे किसी कस्टमर को इलेक्ट्रिक वाला मशीन चाहिए तो ये हमारे पास 2023 का लेटेस्ट मॉडल है 2-in-1, इसमें जो गन्ना रहेगा यहाँ से साफ भी हो जाएगा और यहाँ से 100% जूस भी निकल जाएगा और फिल्टर होके जूस निकलेगा इसमें से जी। ये मतलब नया टाइप का मॉडल है जिसमें साफ करने का भी प्रोसेस जी, साफ करने का भी इसके साथ इंक्लूडिंग ही दिया हुआ है। 2023 का अल्फा ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल है ये जी। मतलब यूजर जो है या सब्सक्राइबर जो है अपने बजट के हिसाब से जी, सभी तरह के गन्ने के जूस की मशीन हमारे पास अवेलेबल है। 20,000 रुपए से लेकर कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से मशीन हमारे पास अवेलेबल है जी। यदि सर आपके कंपनी में विजिट करना चाहे तो कैसे आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं, एड्रेस बताइए। विजिट करने के लिए हमारा कंपनी गुजरात भावनगर में है, आपको गुजरात भावनगर के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगा, ट्रेन भी मिल जाएगा। अगर ट्रेन बस अवेलेबल नहीं है भावनगर के लिए तो आप वाया अहमदाबाद भी आ सकते हो, अहमदाबाद के लिए आपको ट्रेन या बस मिल जाएगा और वहां से आप सीधा भावनगर के लिए बस में आ सकते हो जी। अगर हमारे व्यूअर जो है सब्सक्राइबर खरीदना चाहे तो उसके लिए कुछ स्पेशल ऑफर रहेगा सर? जी, आपके लिए स्पेशल सबसे पहले तो ऑफर ये है कि उनके पास से ट्रांसपोर्टिंग ही नहीं लेने हमको जी। जो हमारा प्राइस जो रहेगा उसमें जो 3-4 हजार रुपया जो ट्रांसपोर्टिंग रहेगा जो हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जैसे कि ये मशीन रहता है इसका 5-6 हजार रुपया जितना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है, ठीक है, तो कस्टमर के पास से लेने का ही नहीं हमको, उतना कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी चैनल के माध्यम से, कंप्यूटर विद्या के माध्यम से कांटेक्ट करते तो सभी मशीन में उनको ट्रांसपोर्टिंग फ्री में मिलेगा जी। जी, आप मशीन कहाँ कहाँ भेजते हैं सर? ऑल इंडिया में सभी जगह मशीन हमारी जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र है, राजस्थान है, फिर केरला है, सभी जगह हमारा ट्रांसपोर्टिंग अवेलेबल है। कस्टमर जहाँ का एड्रेस देंगे, उनका सिटी का एड्रेस देंगे, वहां पे पहुंचा के देंगे। और जिनको रूबरू आना है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो पूरे पूरा उनको गाइडलाइंस हम देंगे कि कैसे हमारी फैक्ट्री पे आना है। और जिनको आना नहीं है वो ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा सर, ये मशीन में कुछ सावधानी या कुछ मेंटेनेंस वगैरह की चीजें है क्या? सावधानी तो कुछ जरूरत नहीं है इसके अंदर और मेंटेनेंस भी नहीं रहता है, एकदम लो मेंटेनेंस है, जिसकी वजह से हमने आपको दिखाया भी कि हमने क्या क्वालिटी यूज किया हुआ है। फिर भी ये मशीन के अंदर जो हमने मोटर यूज किया हुआ है जिसका हम कस्टमर को 1 ईयर का वारंटी देते हैं जी मशीन के अंदर। बाकी कोई सारी चीज हमने आपको ओपन करके दिखाई, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है 5-6 साल तक, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। बट मशीनरी चीज है, बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आया तो मशीन के सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं 24 आवर में, कस्टमर के पास उनको जो भी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट है उनके पास पहुंच जाएगा जी। आफ्टर सेल सर्विस भी हम कस्टमर के लिए बैठे हैं जी, जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दिया सर आपने, पूरी जानकारी एक एक करके
पूरे विस्तार से बताया है हमारे सब्सक्राइबर को। मुझे यकीन है उन लोगों को पूरी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिए दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।